हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र और आप देख रहे हैं रस्तान इलेक्ट्रिकल। तो आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे टीवी यूनिट की वायरिंग करके, वायरिंग किस प्रकार से की जाती है, कौन सा मटेरियल कहाँ पर लगाता है, स्ट्रिप लाइट कहाँ पर लगानी चाहिए, स्पॉट लाइट उसमें लगाने का सिस्टम कहाँ पर होता है। तो इसकी कंप्लीट वायरिंग देखने के लिए डिस्क वायर आपको किस प्रकार से लगाना है ताकि वायर बाहर ना दिखे, सिर्फ एलईडी जो टीवी होती है वही दिखे आपको, और वायर वायर एक्स्ट्रा जो है बाहर ना दिखे ताकि दिखने में अच्छा लगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और टीवी यूनिट की वायरिंग करना हम आपको सिखाते हैं। ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये टीवी यूनिट है। इसके ऊपर टीवी लगना है, जो एलईडी टीवी आता है वो लगना है, और ये टीवी यूनिट यहाँ पर फिक्स होना है। यहाँ पर जो लॉक बने हुए हैं फर्नीचर से, जो लकड़ी के लॉक बनाए गए हैं उसके अंदर फिक्स होता है, और ये कभी भी हम निकाल सकते हैं और इसको फिक्स कर सकते हैं। तो इसकी वायरिंग करना बिल्कुल आसान हो जाता है। जो एक जगह फिक्स होता है उसकी वायरिंग हमें पहले ही कर देनी होती है जिस टाइम इसको बनाया जाता है। तो इसको लगाने के लिए पहले इसके अंदर जितनी भी चोक लगनी है, जो इस प्रकार की जो एसी टू डीसी सप्लाई निकालती है 12 वोल्ट की, ये आपको लगानी पड़ेगी क्योंकि इसमें स्ट्रिप लाइट भी लगनी है, और स्ट्रिप लाइट के लिए इस प्रकार की चोक लगानी ज़रूरी होती है क्योंकि वो स्ट्रिप लाइट जो होती है वो 12 वोल्ट पर काम करती है। तो उसके लिए आपको इस प्रकार के चोक की आवश्यकता पड़ेगी, और ये चोक लगाकर जो चोक से जो 12 वोल्ट के वायर प्लस और माइनस निकलते हैं वो आपको बाहर निकालने हैं जहाँ पर स्ट्रिप लाइट लगानी है, और ये अंदर की साइड ही फिक्स करना पड़ेगा क्योंकि बाहर इतना स्थान नहीं होता है कि इसको फिक्स कर सकें। तो अंदर इतना जगह है तो हम अंदर की तरफ फिक्स करेंगे, और इनसे जो एसी सप्लाई के वायर देंगे वो हम डायरेक्ट स्विच से लेकर जाएंगे ताकि स्ट्रिप लाइट को ऑन ऑफ स्विच से कर सकें, जो स्विच बोर्ड लगा रहता है। तो यहाँ पर दो स्पॉटलाइट भी लगाएंगे, जो ये टीवी यूनिट के अंदर खांचे दिख रहे हैं आपको, होल दिख रहे हैं इसके अंदर आपको, ऊपर की साइड स्पॉटलाइट भी देखने को मिलेगी। और ये जो टीवी यूनिट है ये पूरा कंप्लीट होने के बाद में काफ़ी सुंदर दिखेगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक कंप्लीट देखना है, उसके बाद में कोई भी सवाल सुझाव तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और इसमें देखिए, ये आपको जो है एसी सप्लाई के वायर लगा रहे हैं जिसमें एक फेस और एक न्यूट्रल का देना है। वो ये ऊपर की ओर लिखा रहता है, एल लिखा रहता है यानी कि फेस देना है, और एन का मतलब न्यूट्रल देना है। न्यूट्रल ब्लैक वाला है और फेस का येलो कलर का है। तो इसको हम अंदर की तरफ फिक्स करेंगे। इससे पहले इसमें जो डीसी सप्लाई के वायर भी कनेक्ट करने हैं, और इसमें आपको दिखा देते हैं, देखिए जो बैक साइड है ये किस प्रकार से नज़र आती है आपको दिखा देते हैं। ये देखिए इस प्रकार से बैक साइड है इसकी। तो यहाँ पर काफ़ी सारा स्थान बना रहता है, तो देखिए इसको जहाँ पर सबसे आसान रहेगा और पास में रहेगा वहाँ पर आपको फिक्स करना है। तो यहाँ पर देखिए होल बना है, स्ट्रिप लाइट यहाँ पर चिपकेगी, तो यहाँ से वायर को हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर यह लगाना सही रहेगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहीं पर भी दिक्कत नहीं करना चाहिए वायर ले जाने में। तो उसी हिसाब से हम आपको यहाँ पर लगाकर दिखा देते हैं। तो इस प्रकार से ये घर पर ही बनाया गया, और ये ऑनलाइन भी आप मंगवा सकते हैं, मिल जाता है, काफ़ी सारी साइट है, अमेजोन वगैरह पर भी मिल जाता है। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे कि अलग अलग डिज़ाइन के आते हैं, ये तो घर पर ही बनाया गया है। तो इस प्रकार से आपको स्क्रू लगा लेने, इसमें दो स्क्रू लगते हैं, और इस चौक को एक जगह फिक्स किया जा सकता है, दो स्क्रू लगाने का स्थान बना रहता है। तो इस ब्लैक स्क्रू से आप बिना किसी मशीन के भी इसको यहाँ पर लगा सकते हैं क्योंकि ये लकड़ी की प्लाई रहती है, तो इसमें आसानी से स्क्रू चला जाता है। आपके पास टाइटर है तो टाइटर से भी आप लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको इस चौक को फिक्स करना है, और इसमें जो डीसी सप्लाई के वायर हैं प्लस और माइनस, उसको आपको ऊपर की साइड निकालना है जिस साइड स्ट्रिप लाइट लगनी है, और जिस साइड से स्विच बोर्ड के अंदर जाना है उस साइड एसी सप्लाई वाले वायर जाने हैं, तो वो हमने पहले से ही जोड़ रखे हैं। तो इसको आसानी से यहाँ पर फिक्स करना है, इसको फिक्स करना बिल्कुल आसान होता है। यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार हैं और इसी प्रकार के अन्य वीडियो भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन दबा कर रखें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले।
सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। तो इस प्रकार से आसानी से लगा देना है। तो इस प्रकार से लगाने के बाद में हम आपको इसके डीसी वायर जो है वो किस साइड से निकालने हैं वो भी आपको दिखा देंगे। तो इसमें क्या करना है, अभी हम फिक्स करके देख रहे हैं ताकि सही से फिक्स हो जाता है, तो यहीं पर हम फिक्स कर देंगे इसको। और उसके बाद में आपको वायरिंग इसके आगे करके दिखाएंगे। इस चौक की वायरिंग बिल्कुल आसान होती है करनी, कोई भी कर लेगा क्योंकि इस पर लिखा रहता है। तो इसको इस प्रकार से लगाएंगे, जो एसी वाले वायर है नीचे की तरफ रखने, जो एसी सप्लाई के वायर है क्योंकि स्विच बोर्ड नीचे की तरफ लगा है, तो और ऊपर की तरफ वायर हमें निकालने डीसी वाले, तो इसको सीधा लगाए हैं। और यहाँ पर जो ब्लैक वाला माइनस का रखेंगे और येलो वाला पॉजिटिव प्लस का रखेंगे, तो ये ऊपर की ओर जोड़कर इसको बाहर की ओर निकाल देंगे। तो इस चौक का वायर कंप्लीट हो जाता है, एक चौक से जो चारों तरफ स्ट्रिप लाइट इसके आ जाएगी। ये चौक जो है थोड़ी सी हेवी है तो आसानी से इतना लोड उठा लेती है। तो इस प्रकार से इसके अंदर से इस वायर को निकालेंगे, वो किस साइड से कहाँ से निकालेंगे, दीवार के अंदर हमने पहले से पाइप डाल रखे हैं तो उसमें इसको आसानी से निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर माप कर काटा है हमने, कितना ज़रूरत है उस हिसाब से थोड़ा एक्स्ट्रा रखा जाता है क्योंकि इसको कभी भी खोलने की ज़रूरत पड़ी तो एक्स्ट्रा वायर होगा इसके पीछे, तो ये आसानी से खुल जाएगा, नहीं तो वायरिंग ख़राब हो जाएगी। तो इसमें यदि जो बार बार हटाने वाला सिस्टम होता है तो इसमें एक्स्ट्रा वायर रखना होता है। अभी हम जो स्ट्रिप लाइट की वायर है इस चौक से निकाल रहे हैं, ये इस चौक के अंदर कनेक्ट करने, ब्लैक वाला जो माइनस में कनेक्ट करना है और जो येलो है इसको प्लस यानी पॉजिटिव में कनेक्ट करेंगे। और ऊपर से जितना चाहिए उतना रख कर ऊपर से कट कर देंगे। इसको आपको पूरा रख लीजिए, ज़्यादा एक्स्ट्रा रखने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ये चौक तो यहीं पर रहनी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर लिखा रहता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लिखा हुआ रहता है, तो आसानी से समझ में आ जाता है कि कौन सा वायर कहाँ पर लगाना है। तो इस प्रकार से इसको भी अच्छे से टाइट करना है, कोई भी वायरिंग जो है लूज बिल्कुल नहीं रखना है। लूज रखोगे तो ये बार बार लाइटें हिलेगी और बार बार में परेशानी होगी। तो इस प्रकार से पहले से ही आपको सारा जो काम है वो अच्छे से करना है। तो इसमें जो चौक है वो जो ये खुलने वाला होता है, जो कभी भी ओपन कर सकते हैं टीवी यूनिट को, उसमें ये अंदर की तरफ लगाया जाता है। और यदि एक जगह स्थाई है तो उसमें आप ऐसी जगह लगाएं जहाँ से आप आसानी से चौक को बदल सकें, क्योंकि चौक ख़राब हो जाती है तो इसे बदलना भी होता है। तो बदलने के लिए आपको नहीं खुलने वाला होगा तो ये बदला नहीं जाएगा, तो उसका सिस्टम आपको ऊपर ही बनाकर रखना पड़ेगा। जो आप जहाँ पर आप बताएंगे वहाँ पर जो फर्नीचर का वर्क करते हैं वो बना कर देंगे, होल वगैरह आपको सभी निकाल कर देंगे, कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो आपको सिर्फ यहाँ पर देखिए जो स्पॉट लाइट लगनी है दो, उसका होल यहाँ पर निकाला हुआ है, देखिए यहाँ पर लगनी है जो फ्रंट साइड से आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर दोनों साइड जो स्पॉट लाइट लगनी है। यहाँ पर जितना थोड़ा सा वायर एक्स्ट्रा रखें क्योंकि ये अंदर की ओर काफ़ी जगह हैं तो ये अंदर चले जाएंगे। और यही वायर दोनों का एक ही स्विच दे रहे हैं तो यही वायर यहाँ का ऊपर जॉइंट नहीं करना है कहीं से, और यहाँ डबल करके दूसरे वाली स्पॉटलाइट के अंदर डाल देना है। तो यहाँ पर स्पॉटलाइट जॉइंट कर देंगे और ये वायर जो दो वायर है ये हमें स्विच बोर्ड तक लेकर जाने, न्यूट्रल में बाकी कनेक्शन नहीं करना है, कहीं पर भी जॉइंट नहीं देना है, जितने भी न्यूट्रल वायर होंगे वो अंदर स्विच बोर्ड तक ले जाएँ। और जो पाइप है वो दीवार के अंदर रखें। तो इस प्रकार से दोनों स्पॉटलाइट के वायर डाल दिए हैं और स्ट्रिप लाइट का वायर भी निकाल लिया है यहाँ से, चौक लगा दिया है। और इस इन सब का भी जो
एलईडी टीवी लगना है, उसकी जो एक 2 पिन सॉकेट लगनी है उसके 2 वायर लेने हैं वो भी आपको निकाल लेने हैं, और बाकी सब ये जो 6 वायर हो गए हैं और जो ऊपर का छज्जा है इसके ऊपर टीवी यूनिट के ऊपर एक छज्जा भी है उसके ऊपर, जो सेटअप बॉक्स वगैरह का वायर डिस्क का वायर भी निकालने का, जो स्विच बोर्ड बना है उसका जो सप्लाई का वायर भी आपको इनके साथ लेना है, और एक नीचे स्विच बोर्ड लगेगा इसके दीवार के अंदर उसका भी वायर पहले से हमने पाइप से निकाल रखा है तो वो भी किस प्रकार से निकालना है। जो नीचे के स्विच बोर्ड में जितने भी वायर जाने हैं वो पहले से आपको निकाल कर रखने हैं और एक जगह करने हैं, और टीवी यूनिट जब लगाएंगे तो इसको अंदर की तरफ डाल देंगे और टीवी यूनिट को फिक्स कर देंगे और बाद में स्विच बोर्ड की वायरिंग हो जाएगी। तो ये है जो 2 पिन सॉकेट लगेगा, जो एलईडी टीवी लगेगा उसके नीचे लगेगा ताकि वायरिंग बाहर ना दिखे। यहाँ पर टीवी अभी नहीं लगने वाला, टीवी थोड़ा बाद में लगेगा। इस प्रकार से इस पर टीवी लगाना में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसमें टीवी का स्टैंड जिस प्रकार से दीवार पर लगाते हैं उसी प्रकार से इस पर भी लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार से देखिए ये टीवी का है, थोड़ा एक्स्ट्रा रखना है और नीचे स्विच बोर्ड से ऑन ऑफ होगा। यहाँ पर सिर्फ 2 पिन सॉकेट लगेगी जो जिसमें टीवी के वायर इसके अंदर चले जाएँ। तो इस प्रकार के टीवी यूनिट की वायरिंग करना बिल्कुल आसान होता है। तो इस प्रकार से जो सभी वायर एक साथ कर लेने हैं आपको, और इतने इतने एक्स्ट्रा रखे हैं हमने, और उसके बाद में जो ऊपर एक स्विच बोर्ड है उसमें 2 वायर आपको ले जाने हैं, उसका स्विच नीचे ही रखेगा, सिर्फ सेटअप बॉक्स जो होता है वो ऊपर रहेगा और उसको ऑन ऑफ करने का स्विच नीचे ही रहेगा ताकि वायर कहीं से भी दिखे नहीं और दिखने में अच्छा लगे। तो इस प्रकार से सभी वायरों को एक जगह करते हैं, और एक जगह करने के बाद में आपको यहाँ पर देखिए इसको यहाँ पर लाना है, और ये 2 वायर हमें ऊपर जो सेटअप बॉक्स लगाना है वहाँ पर स्विच बोर्ड लगा है, और डिस्क का वायर पहले से निकाल रखा है हमने ऊपर से, यहाँ पर कनेक्शन होगा। यहाँ पर 2 सॉकेट लगेंगी और एक जो टीवी सॉकेट आती है डिस्क सॉकेट जिसमें डिस्क का वायर कनेक्ट होता है वो लगेगा, वो भी हम लगा कर दिखाएंगे किस प्रकार से लगाना है। इस पर एक वीडियो पहले से भी बना रखा है, डिस्क सॉकेट यानी कि अंडरग्राउंड डिस्क का वायर कैसे लेकर जाएं और टीवी सॉकेट जो डिस्क सॉकेट आता है उसमें कनेक्शन किस प्रकार से होता है, तो उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, और वीडियो का लास्ट में भी आपको मिल जाएगा, और हो सकता है तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको सभी वायरों को, इसमें एक इन्वर्टर का वायर है, एक न्यूट्रल का है, और एक फेस का है, और एक अर्थिंग का वायर है, 4 वायर जो सप्लाई के है मैन वो नीचे बोर्ड तक लेकर आने, पहले से हम इस टीवी यूनिट के पीछे निकाल रखे हैं वायर। अब सभी वायरों को जिस वायरों को नीचे इस स्विच बोर्ड में लाना है यहाँ से ऑन ऑफ हो गए, तो सारे वायर एक जगह कर रखे हैं, और यहाँ से एक पाइप डाल रखा है दीवार के अंदर से, इन सब वायरों को नीचे स्विच बोर्ड में देना है। और ये देखिए इन सब वायरों को यहाँ पर लगाते टाइम आपको इसको अंदर की तरफ डाल देना है सभी वायरों को पाइप से, और उसके बाद में इसको फिक्स करना है। तो इसको यहाँ पर पहले से हमने पाइप डाल रखा है, तो ये जीरी निकाल कर पहले से ही पाइप डाल दिया जाता है कहाँ पर टीवी यूनिट लगता है, और इसको बिना वाल के अंदर डाले इसके ऊपर ही स्विच बोर्ड लगाना चाहते हैं तो आपको पाइप डालने की ज़रूरत नहीं रहती है। अलग अलग हिसाब से वायरिंग होती है, जिस भी प्रकार का आपका टीवी यूनिट है उस हिसाब से वायरिंग हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर इसी प्रकार से किया जाता है। तो आपको भी पहले इस प्रकार की वायरिंग करना नहीं आता है तो आप कमेंट करके बताएं, और आप में से किस किस ने पहले इस प्रकार के टीवी यूनिट की वायरिंग किया है तो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इस प्रकार से आपको जितना चाहिए उतना उस स्विच बोर्ड में निकालना है, बाकी इसके पीछे रहेगा। तो इस प्रकार से देखिए जितना चाहिए उतना स्विच बोर्ड में हमने निकाल लिया है, और जो ऊपर के स्विच बोर्ड है सेटअप बॉक्स के लिए उसकी वायर भी इसके साथ नीचे चले गए हैं, और ये टीवी सॉकेट का वायर है
जो 5 पिन सॉकेट लगेगा उसका वायर हमने यहाँ पर निकाल दिया, यहाँ पर 2 5 पिन सॉकेट लगेगा। और ये जो ऊपर आपको ये एक होल सा दिख रहा है, इससे आपके जो HDMI केबल निकाल सकते हैं, VGA केबल निकाल सकते हैं, और ये सेटअप बॉक्स के जो 3 पिन आती है उसको भी आप यहाँ से निकाल लेते हैं। तो ये इसी प्रकार से निकाला गया और इसके अंदर से 2 इंच का पाइप ऊपर की ओर निकाला गया ताकि उसमें से सेटअप बॉक्स से जो भी वायर टीवी के अंदर आने हैं वो इसके पीछे से आ सकें। एक छोटी इस प्रकार से आप इन स्विच बोर्ड का कनेक्शन कर लेते हैं। ये तो आसान होता है, लगभग हमारे वीडियो आप पहले से देखते हैं तो आप सीख गए होंगे स्विच बोर्ड का वायरिंग किस प्रकार से होता है। आपको हम ये सपोर्ट लाइट, जो स्पॉट लाइट होती है, इसको लगाकर दिखाते हैं। इसमें जो आपका जो है ड्राइवर होता है वो इसके साथ में आता है, जो IC ड्राइवर लगा रहता है, और इनको आपको सीधा जो सप्लाई के वायर है उसमें दोनों वायरों में कनेक्ट करना होता है और टेप अच्छे से लगाना है। लकड़ी के फर्नीचर का कोई भी काम आप कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल का, तो आपको टेप अच्छे से लगानी है, जितनी ज़रूरत है उससे थोड़ी ज़्यादा लगा देनी है ताकि कहीं पर भी स्पार्किंग का डर ना रहे। तो इस प्रकार की स्पॉटलाइट आती है, ये ब्लू कलर की स्पॉटलाइट लगाई है हमने यहाँ पर, और जो इसमें बाहर की ओर स्ट्रिप लाइट लगेगी वो हमने वार्म वाइट कलर की लगाई है, उसको भी हम लगाकर दिखाएंगे आपको किस प्रकार से लगाया जाता है। तो ये आपको फ्रंट साइड से दिख रहा है टीवी यूनिट, और इसकी लाइट ऑन होने के बाद में आप देखिए किस प्रकार से इसका लुक बदल जाता है। तो इसको सीधा अंदर की ओर धकेलना होता है, ये होल आपको फर्नीचर वाले निकाल कर देंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप भी निकाल सकते हैं। इसका निकालने का जो बिट है वो आता है ड्रिल के अंदर लगने वाला, इसी साइज का लाना होता है आपको। तो इसका डिस्क का वायर का कनेक्शन किस प्रकार से होता है अंडरग्राउंड में, इसका वीडियो पहले बना रखा है, आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, और अभी हम आपको दिखा देते हैं। तो आपको इसका कनेक्शन बिल्कुल ही आसान होता है, यहाँ पर एक छज्जा लगना है, उसके ऊपर सेटअप बॉक्स आप रख सकते हैं, और ये 2 इंच का पाइप आपको दिखाई दे रहा है, उससे सेटअप बॉक्स से जो भी वायर टीवी के अंदर जाने हैं वो इस 2 इंच के पाइप से चले जाएंगे जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जब भी सेटअप बॉक्स यहाँ पर लगेगा तो इसके वायर यहाँ से निकल जाएंगे। अभी हम आपको डिस्क का वायर देखिए इस प्रकार से कनेक्ट करना है। इसमें जो बीच में कॉपर का वायर जो नज़र आ रहा है उसको आपको बीच में स्क्रू दिया हुआ है उसके अंदर कसना है, और वो कहीं पर भी एक्स्ट्रा पार्ट पर टच नहीं होना चाहिए। और जो एल्यूमिनियम के वायर से निकले रहते हैं पतले वायर, उनको आपको जो बाहर जो टाइट करने की पत्ती रहती है उस पत्ती के नीचे आपको इकट्ठे कर देने ताकि आपको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों मिल सके सेटअप बॉक्स को, और सिग्नल अच्छे से आ सके। यदि दोनों आपस में टच हो जाते हैं तो ये काम नहीं करेगा। इसका प्रॉपर वीडियो देखना चाहते हैं तो पहले से हमने बना रखा है, उसको देख लीजिए, उसको देखने के बाद में कोई भी सवाल सुझाव नहीं रहेगा, यदि है तो आप कमेंट करके बता दीजिए। तो इस प्रकार से डिस्क वायर का कनेक्शन हो गया है, और उसके बाद में ये जो प्लस यानी कि फेस और न्यूट्रल के वायर बचे हैं, इनका स्विच नीचे के बोर्ड में दिया रहता है, और इन दोनों सॉकेट को इन्हीं से कनेक्ट करना है, एक ही स्विच से ऑन ऑफ हो गया। तो इसमें आप सेटअप बॉक्स वगैरह लगा सकते हैं, ऊपर आपको जो भी लगाना है सिस्टम वो यहाँ से आप लगा सकते हैं, और नीचे से जो स्विच है उससे ऑपरेट हो जाएगा, क्योंकि इतनी हाइट के ऊपर हमारा हाथ जो है नहीं जाता है तो इससे ऑन ऑफ करना मुश्किल होता है। तो इसका स्विच हमने नीचे ही लगाया है, तो इस टीवी यूनिट के नीचे स्विच बोर्ड लगाया है उसमें स्विच हमने लगा रखे हैं। तो ये है नेगेटिव वायर यानी कि न्यूट्रल वायर बोलते हैं AC सप्लाई में, उसको लूप करके एक सॉकेट में दिया है, और इसी को दूसरे सॉकेट में देना, जहाँ जहाँ पर N लिखा है उसमें न्यूट्रल का वायर या ब्लैक वाला वायर ही जाएगा, और इसमें सेटअप बॉक्स ही चलना है तो अर्थिंग की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि अर्थिंग सेटअप बॉक्स से नहीं निकली रहती है। आप लगाना चाहें तो इसमें लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमने नहीं लगाई है। नीचे के बोर्ड के अंदर अर्थिंग दी है, जहाँ पर जरूरत है वहाँ पर आप लगा सकते हैं।
तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो फेस का वायर है ये भी इसी प्रकार से जहाँ पर एल लिखा हुआ है दोनों सॉकेटों में दे देना है लूप करके, और इस बोर्ड की वायरिंग कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में आप नीचे के बोर्ड लगा रहता है उसकी स्विच बोर्ड को अच्छे से कस लेंगे, और कसने के बाद में आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से इसकी वायरिंग की है हमने, और इसमें स्ट्रिप लाइट किस प्रकार से लगाते हैं वो भी आपको लगाकर दिखाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है, उसके बाद में ही कमेंट कीजिए कोई भी सवाल सुझाव है तो, और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो इस प्रकार से आपको वायरिंग कर देनी है और इसको आसानी से स्विच बोर्ड को कस देना है। तो इसको कसना बिल्कुल आसान होता है, तो इस प्रकार से आप स्ट्रिप लाइट आपको लगाकर दिखाते हैं। सभी बोर्ड को हमने कस दिया है, उसके बाद में स्ट्रिप लाइट किस प्रकार से, इस प्रकार की स्ट्रिप लाइट आती है देखिए, ये प्रत्येक लगभग 5 मीटर के लेंथ की आती है, तो आपको कम लगती है तो इससे आगे जॉइंट हो जाता है, दोनों तरफ वायर इस प्रकार से निकले रहते हैं, और इसमें बीच में कट करने का ऑप्शन बना रहता है, तो कैंची का ऑप्शन बना रहता है जहाँ पर कट करने का प्लस और माइनस इस स्ट्रिप लाइट पर कुछ 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 दूरी के ऊपर बना रहता है, वहाँ से आप कट कर सकते हैं जितनी आवश्यकता उतनी लगा सकते हैं, वो भी हम कट करके दिखाएंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो इसमें देखिए पॉजिटिव यानी ब्लैक वाला ब्लैक वाले में कनेक्ट करना है, और येलो हमने पॉजिटिव रखा था तो वो रेड वाले के साथ कनेक्ट करना है, क्योंकि स्ट्रिप लाइट में रेड कलर का वायर दिया हुआ है पॉजिटिव का, और इस स्ट्रिप लाइट पर लिखा भी रहता है। तो इस प्रकार से जो हमने जो अंदर चौक लगाया था उससे वायर निकाले थे उसको इस प्रकार से यहाँ पर कनेक्ट करने है, और टेप अच्छे से लगा देनी है। इस टेप को इस प्रकार से लगाना है कि ये यहाँ पर अंदर की तरफ चली जाए। तो इस प्रकार से टाइट कर देना है, और इसको रखने के लिए पीछे बना रहता है, काफ़ी सारी जगह है तो ये जॉइंट पीछे ही हम लगा देंगे। उसके बाद में इसके नीचे जो ग्रीन पट्टी दिख रही है स्ट्रिप लाइट के नीचे, इसको धीरे से उतारना है धीरे धीरे। इसके साथ में जो व्हाइट कलर का जो चेपने का जो पदार्थ लगा रहता है इस पर, वो इसके साथ में नहीं उतरना चाहिए, सिर्फ ये जो पतली जो पन्नी लगी रहती है ब्लू कलर की, इसी को उतारना है, और इसको उतार कर इसके पीछे चिपकाना है, और इसको चिपकाने के लिए इस प्रकार का होल बना रहता है और वहाँ पर चिपकाना है इसको, कि सीधा इसका जो फोक्स है वो वाल पर पड़े, न कि सामने से दिखे किसी को। ये स्ट्रिप लाइट किसी को दिखनी नहीं चाहिए, इस प्रकार का चारों तरफ चारों साइड में बना रहता है होल, जिससे सीधा वाल के ऊपर यानी कि दीवार पर फोक्स पड़ता है। तो इसकी वायरिंग आपको कर लेना है अच्छे से। तो इसके अंदर देखिए दोनों साइड भी लगा सकते हैं आप, और अच्छे से टाइट करके जितनी दूर ये आती है चारों तरफ घुमानी है इसके, जहाँ पर ये कम लगती है आपको तो अन्य स्ट्रिप लाइट ले लीजिए इसी कलर की, वो इसके आगे जोड़ दीजिए। वायर दोनों साइड से निकले रहते हैं, सिर्फ आपको वायर कनेक्ट करने होते हैं, वायर नहीं निकले हैं तो भी आपके पास सोल्डरिंग मशीन है तो उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसके टेप अच्छे से लगा देते हैं, अभी टेप इस प्रकार से लगा रहे हैं कि ये वायर अंदर की तरफ चले जाए। तो इस प्रकार से आपको इस वायरों को अंदर की तरफ धकेल देना है, और इन वायरों को इस प्रकार से देखिए यहाँ पर रख देना है ताकि बाहर ना रहे, और उसके बाद में इसका जो ये ब्लू वाला पार्ट है इसके ऊपर की पन्नी सी लगी रहती है इसको हटाना है, देखिए इसको हटाते जाना है और इसको चिपकाते जाना है, और इसके चारों तरफ चिपकाना है, देखिए ये ऊपर की पन्नी है इसको आपको उतारना है। सिर्फ ये पन्नी उतरनी चाहिए, इसके नीचे जो व्हाइट वाला पदार्थ लगा रहता है वो इसके साथ में नहीं आना चाहिए, वो साथ में आ जाएगा तो ये चिपकी हुई नहीं रहेगी,
ये आपको कोई नहीं बताएगा। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखें, क्योंकि कभी बहुत सी बार ऐसा होता है कि ये साथ में ही निकल जाती है। तो आप अच्छी क्वालिटी की स्ट्रिप लाइट लें। तो देखिए, इसको जितना आप उतार रहे हैं, आगे इसको हटा रहे हैं, उतना आप चिपकाते जाइए। तो इस प्रकार से आगे चिपकाते जाना है। तो इस प्रकार से चिपका लीजिए। अब देखिए, पूरी तरह से आपको चारों तरफ इसी स्ट्रिप लाइट को घुमा लेना है। जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर वापस लाकर छोड़ना है। और स्पॉटलाइट हमने पहले से लगा दी है, तो ये चिपकाने के बाद में हमारी वायरिंग कंप्लीट होगी। और इसके बाद में आपको चलाकर दिखाएंगे कि इसका लुक किस प्रकार से लगता है। तो इसको अच्छे से लगाना है, उसके बाद में आपको इसका नज़ारा देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार का टीवी यूनिट आसानी से मिल जाता है और आप बनवा भी सकते हैं अपने हिसाब से डिज़ाइन करके। और इसकी वायरिंग अभी काफ़ी ज़्यादा चलती है, इसकी वायरिंग करनी सभी को आनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपको चारों साइड से अच्छे से चिपका देना है, क्योंकि इसको चिपकाना बिल्कुल आसान होता है। एक बार देखने के बाद में आप भी इस प्रकार की वायरिंग कर सकते हो। और चारों साइड इसके एक से तरीके से आपको चिपका देनी है। तो ये अच्छे से चिपकनी चाहिए, यदि लूज रहती है तो ये वापस बाहर की ओर निकल जाती है। यदि कहीं पर इसकी जो पीछे की जो चेप आती है वो ख़राब हो जाती है, तो आप यहाँ पर फेविक्विक का यूज भी कर सकते हैं। कहीं कहीं पर, पूरी पर नहीं करना है, कहीं कहीं पर बीच बीच में आप कर देंगे तो ये आसानी से चिपक जाएगी। और जब आप स्ट्रिप लाइट को लाएँ तो अच्छी कंपनी की लाएँ, ताकि इस प्रकार की दिक्कत ना आए। तो इस प्रकार से हमने चारों तरफ लगा दी है। उसके बाद में हम आपको इसमें चलाकर दिखाएंगे, जो नीचे स्विच बोर्ड लगा है उसमें सारे स्विच लगे हैं, जो सेटअप बॉक्स, एलईडी टीवी और इन सब के जो स्विच है वो यहाँ पर नीचे लगे हैं इस टीवी यूनिट के। तो इस प्रकार से आपको अच्छे से वायरिंग करनी है। इस प्रकार की वायरिंग करने का तरीका बिल्कुल आसान होता है। यदि आपने पहले इस प्रकार के टीवी यूनिट की वायरिंग किया है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इस प्रकार से सभी स्ट्रिप लाइट को आसानी से लगा देना है। इसमें टाइम लगता है, लेकिन इसको चिपकाना बिल्कुल आसान होता है। अभी हम आपको सारा काम कंप्लीट कर दिया है, अभी हम आपको ऑन करके दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए स्विच है और इनसे ऑन होता है, तो ऑन करके आपको दिखाते हैं। तो चलिए, इस प्रकार से आप ऑन करेंगे तो यहाँ से ऑन ऑफ हो जाएंगी। तो इस प्रकार से देखिए, आपको पूरा व्यू दिखाते हैं किस प्रकार का है टीवी यूनिट। तो इस प्रकार से देखिए, ये देखिए, ये ब्लू वाली स्पॉट लाइट है और ये स्ट्रिप लाइट इस प्रकार से नज़र आती है इसको ऑन करने के बाद में। तो ये किस प्रकार से लगता है, इसके ऊपर का छज्जा भी हमने लगा रखा है। उस जो ऊपर छज्जा नज़र आ रहा है उसके ऊपर जो सेट बॉक्स है वो मिलेगा। और यहाँ पर देखिए टीवी बोर्ड दे रहा है, सारी लाइटें बंद कर देंगे तो इस प्रकार से नज़र आएगा। तो इस प्रकार से देखिए, काफ़ी अच्छा लगता है। इसके ऊपर बीचों बीच टीवी लगेगा, जो एलईडी टीवी आता है 40 इंच का यहाँ पर टीवी लगने वाला है। तो ये टीवी लगने के बाद में काफ़ी अच्छा लगेगा। तो इसकी वायरिंग किस प्रकार से लगी, कितना आपको समझ में आया, कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट करके बताएं। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।